हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो देश में एकता बनी रहे इस उद्देश्य से कार्यरत है। ऐसे ही एक 55 साल के एक शख्स से BCN न्यूज मिला, जिस दौरान उन्होंने बताया कि हमारे देश में शांति बनी रहे इस उद्देश्य से वे अपनी साइकिल पर सवार होकर शांति और एकजुटता का संदेश देते पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं। बता दें कि इन्होंने अब तक आधा देश घूम लिया है और कर्नाटका की ये मूल निवासी है। 2017 से इनकी यात्रा शुरू हुई जो अभी भी जारी है। क्या है इनकी पूरी कहानी, आइए जानते हैं हमारे इस रिपोर्ट में। कहते हैं शौक बड़ी चीज, मतलब अगर आपको किसी चीज का शौक है तो आप कुछ भी कर लेते हैं और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे। अब ऐसे ही एक महाशय जिनसे हम रूबरू हुए हैं, इनसे पता चला कि इन्हें साइकिल जो है, इन्होंने साइकिल से कर्नाटका से ये आधा हिंदुस्तान ट्रैवल करते करते हुए नागपुर आए और इनका उद्देश्य यही है कि हमारे हिंदुस्तान में शांति या फिर जितनी भी चीज़ें हो रही है उसको, गलत चीज़ें हो रही है उनको रोकना, शांति को प्रमोट करना, ये इनका उद्देश्य है। 55 साल की महाशय है, कौन है, क्या है, कैसे है, आइए जानते हैं उन्हीं से। नमस्कार, नमस्कार, मेरा नाम नागराज गौड़ा है, मैं कर्नाटक हासन डिस्ट्रिक्ट का हूँ। मैं December 3, 2017 से एक साइकिल यात्रा से निकल पड़ा। ये यात्रा क्या है, शांति, राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति, विश्व शांति, हनी बचाओ, हरियाली बढ़ाओ और इंसानियती जिंदगी है, इस तरह मैसेज लेके और जनता के लिए कानून अपने हाथ में मत लो और नेता लोग संसद में मत लड़ो, इस तरह मैसेज लेके मैं 4 साल से घूम रहा हूँ। कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश समाप्त करके अभी मैं हमारा महाराष्ट्र का नागपुर शहर में आ चुका हूँ। और इस यात्रा में मैं रोज़ाना 80-90-100 किलोमीटर साइकिल चलाता हूँ। और दूसरी बात, ये लोग पूछा भाई खाना पीना कैसे करोगे, इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूँ, देखो भाई हमारा देश धर्म का है, साधु संतों का। मैं मंदिर, आश्रम, गुरुद्वार, आर्य समाज और हाईवे में ढाबा या धर्मशाला जो मिलता है ना, वहाँ मैं रात को रुक जाता हूँ, वहाँ 90% भोजन मिल ही जाता है। और दूसरे जहाँ नहीं मिलता, मैं अपने पैसे में और एक गोलक भी रखा हूँ मैं, उसमें कुछ लोग अपने आप कुछ पैसे भी लगा देता, इस तरह जहाँ नहीं मिला उस पैसे में भोजन हो जाता है। और मैं जनता से यही प्रार्थना करता हूँ, आप शांति और सद्भावना से सर्वधर्म समभाव, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, बहाई, ये सब हमारा ही लोग हैं, सिर्फ हमारा हिंदुस्तान नहीं, पूरा ये ब्रह्मांड, वो कोई भी देश हो, सब हमारा है, हम प्यार मोहब्बत से रहना है। जहाँ एक और 55 या फिर 50 क्रॉस करने के बाद लोग सोच लेते हैं कि अभी रिटायरमेंट लेना है, आराम से घर पे रह के नाती पोतों के साथ ज़िंदगी बितानी है, बट उस चीज़ में आपने ये सोचा कि हम हिंदुस्तान का भ्रमण करते हैं, राष्ट्रीय एकता को बढ़ाते हैं, शांति को फैलाते हैं, तो आपके मन में ये सुझाव कैसे आया, इस बारे में जानना चाहिए। ये कैसे आया, मैं थोड़ा बचपन से धार्मिक स्वभाव का हूँ, बचपन से मैं ज़्यादा साधु संतों का सत्संग सुनता था और देशभक्ति फिल्में देखता था और कुछ गांधीवादी लोगों से भी उठता बैठता था। बाद में मैंने सोचा क्या यार, बचपन से मैं देख रहा हूँ हमारा देश में ये बॉर्डर का लड़ाई हो रहा है, जात पात का लड़ाई अभी भी ख़त्म ही नहीं हो रहा, इसीलिए मैंने एक साइकिल में एक राष्ट्रीय एकता सर्वधर्म समभाव का एक यात्रा निकालना, ये सोच के मैं यात्रा निकाला। इसका प्रेरणा हमारा साधु संत लोग है, हमारा महान नेतागण लोग है। ओके, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पहल है, आप राष्ट्रीय एकता को बढ़ा रहे हैं, साथ ही शांति को बढ़ा रहे हैं। जहाँ पे कुछ लोग अभी पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं इसकी चिंता में घूमने वगैरह नहीं जा रहे, वहाँ पे ये है कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए साइकिल से यात्रा करने निकले हैं, आधा हिंदुस्तान इन्होंने कवर कर लिया और आगे भी इनकी जर्नी जो है वो जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।